आज की शाम उत्तर प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत सही समय पे राइट टाइम पे आ गए और अब आज का प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए, पूरे शिकागोलैंड एरिया के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच भारत के एक से बढ़ के एक महान कवि और सबसे महान कवियत्री आज हमारे बीच भारतवर्ष से आए हुए हैं और मैं एक एक करके उनको मंच पे बुलाऊंगा और जैसे वो लोग मंच पे आएंगे आप लोग जोरदार तालियों से झंझनाहट के साथ उनका स्वागत करिएगा। सबसे पहले मैं आपके बीच स्वागत करना चाहूंगा श्रीमती मुमताज नसीम जी का। और मैं उमा जी से अनुरोध करता हूं कि आप उनका स्वागत फूलों द्वारा करें। आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा माननीय श्री शंभु शिखर जी को मंच में बुलाना चाहूंगा। और मैं जिन अगले कवि का नाम लेना चाहूंगा उनको आप सभी लोग जानते हैं। भारतवर्ष का कोई भी आदमी नहीं होगा जो कि उनका नाम नहीं सुना होगा। आज हमारे बीच हैं माननीय श्री अरुण जैमिनी जी, उनका स्वागत करते हैं। और मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय संजीव कुमार पाल जी, जो कि काउंसिल ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स से हैं, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्लीज हैव ए सीट। और इन्हीं के साथ मैं समय का बचत करते हुए आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा मिसेस उमा अग्रवाल। एंड प्लीज़ वेलकम द उत्तर प्रदेश एसोसिएशन उत्तर प्रदेश समाज की अध्यक्षा श्रीमती उमा अग्रवाल जी को। सभी का स्वागत करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कवियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन का हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने देश की परंपरा, संस्कृति और मातृभाषा से जुड़े रहें। आज की शाम भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। कवि सम्मेलन यूपी एसोसिएशन का एक सिग्नेचर इवेंट है और मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि शिकागो में यूपी एसोसिएशन ही एकमात्र संस्था है जो कवि सम्मेलन का आयोजन करती है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि आपका स्नेह, सहयोग और उत्साह हमें हर साल कवि सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य में आने वाले प्रोग्राम की जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक और हमारी वेबसाइट www.upassociationchicago.com पर पा सकते हैं। कवि सम्मेलन के आयोजन की परंपरा हमारे भारतवर्ष में युगों युगों से चली आ रही है। कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें समाज की स्थिति, रिश्तों की बारीकियां, एक आम आदमी की समस्याएं और मनोस्थिति से बड़ी सहजता से अवगत कराते हैं। कविताएं वास्तव में जिंदगी के हर पहलू का दर्पण होती हैं। अपने शब्द और कलम की ताकत से कवि हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सम्मानित कवि अपने गीत, व्यंग और हास्य कविताओं से आज की शाम को यादगार बनाने वाले हैं। इन चार पंक्तियों से अंत करना चाहूंगी। चुपचाप बैठे नहीं, चुपचाप बैठे नहीं, थोड़ा शोर तो होना चाहिए,
तालियों और सीटियों का हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सभी कवि जनों का। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डॉक्टर सुभाष पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमारे आदरणीय कवियों का आपसे परिचय करवाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू उमा जी। उमा जी की हिंदी बड़ी अच्छी हो गई है। एक बार जोरदार ताली से उनको धन्यवाद कहिए कि हमें याद है कि पहली बार जब वो प्रेसिडेंट बनी थी तो यहाँ कब सम्मेलन हुआ तो उन्होंने इंग्लिश में वेलकम कर डाला। हाँ, लेकिन इसके बाद हमने कहा उमा जी ये हिंदी का प्रोग्राम है, ज़रा ध्यान रखिएगा, इतनी अच्छी इन्होंने हिंदी बोला है, एक बार फिर से ताली बजाइए। जो अच्छा, जो हमारा काम है वो बड़ा कठिन काम होता है। अभी हम किसी से बात कर रहे थे, पांडे जी जरा दो दो लाइन में कवियों का परिचय कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा और जल्दी से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मैं प्रोग्राम ख़त्म होता है तो फिर कवि लोग कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था हमारे बारे में। तो दो लाइन नहीं, इस बार हमने करीब सात सात आठ आठ लाइन का प्रयास किया है, जो कि आधा पैराग्राफ से कम रहेगा। ये भारतवर्ष के लिए बड़ा ही ये गौरव की बात है, हम लोगों के लिए तो है ही लेकिन भारत के लिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने अगर स्कूल दिन में जाएं, जब हम लोग कक्षा सात आठ नौ दस में पढ़ते थे तो उस समय जो कविताएं पढ़ी जाती थीं हिंदी सिलेबस में, उससे लगता था कि ये हमारे भारत की संस्कृति को झलकाता है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो कवि लोग हैं, जिस दिन अपनी कविता लिखना बंद कर दें उस दिन से ही हम लोग अपनी संस्कृति को भी भूलना शुरू कर देंगे। तो ये भारतवर्ष के ऐसे शख्सियत हैं जो कि हमारी संस्कृति को अपने कलमों से आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए पहले तीनों कवियों को जोरदार ताली से आप धन्यवाद दीजिए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतवर्ष से कई तरह के आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन जितना हमें अच्छा लगता है कवियों का स्वागत करने में, उतना हमें और आर्टिस्ट को स्वागत करने में उतना अच्छा नहीं लगता। उसका कारण यह है कि जब मैं इनसे मिलता हूँ उसी क्षण से हमें भारत की याद आने लगती है, क्योंकि इनकी रचनाएं हमें वापस ले जाती हैं भारतवर्ष में, और जो सामाजिक वहाँ व्यवस्था है उसके बारे में इतनी तरह से बताते हैं कि लगता है कि आप लोग ही भारत की संस्कृति को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच कवि लोग भारतवर्ष से हर साल आते हैं। मैं भूल जाऊं इसके पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को कि अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति है जिसका मेन ऑफिस है वाशिंगटन डीसी में, और ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति पिछले कई सालों से बहुत ही सक्रिय है। इन लोगों के मदद से, एक हमारे संयोजक हैं माननीय श्री आलोक मिश्रा जी, उनकी मदद से प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष से कवि आते हैं और करीब 20 से 22 जगह सिटी में, मेजर सिटी में आप लोग जा कर के कवि सम्मेलन करते हैं। आप देखें एक इतना बड़ा एफर्ट है कि हर साल 20-22 शहरों में अपने हिंदी भाषा, अपनी मातृभाषा का प्रचार करना, ये रियली गौरव की बात है। इसलिए हम लोग कवियों का शुक्र गुजार हैं कि हर साल हमारे बीच आते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं। सबसे पहले मैं आपके सामने जिनका परिचय देने जा रहा हूं, उनका नाम है श्रीमती मुमताज नसीम जी।
मुमताज नसीम आकर्षक प्रतिभा की धनी, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से ताल्लुक रखती हैं। मुमताज नसीम जी हिंदी और उर्दू मंचों पर बहुत ही लोकप्रिय और खास, उनका बहुत लोकप्रिय है, बड़ा उनका खास नाम है। आपने उर्दू में एमए डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की है। बड़ी बेहतरीन प्रस्तुतिकरण का हुनर रखने वाली ऐसी कवियत्री और सारा हैं कि जिन्हें देश विदेशों में हर वर्ग के श्रोताओं ने सराहा और लोकप्रिय बनाया है। मुमताज नसीम जी ने काव्य मंचों और मुशायरों में अपने गीत गजलों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है। जन सामान्य को समझ आने वाली सरल जुबान के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। मुमताज नसीम जी की आकर्षक प्रस्तुत पूरी महफिल को अपनी सुरीली आवाज और आकर्षक अंदाज से बात देती है और मोह लेती है। यह हमें बताने में बड़ा गर्व होता है कि आप भारतवर्ष के टॉप 5 कवियत्रों में से एक हैं। लगभग 2 दशक से आप अपनी गजल, मुक्तक, नज्म और गीत अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंचों पर पढ़ रही हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रसारित हुई हैं और आपकी कई संस्थाओं से तरह तरह के अवार्ड भी मिल चुके हैं। सबसे उल्लेखनीय अवार्ड है जो कि बड़ा ही सराहनीय है, जिनको आपको मिला है, साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार। आइए जोरदार तालियों से शिकागो शहर में हम लोग मुमताज नसीम जी का स्वागत करते हैं। और आपने पॉलिटिकल साइंस में मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की है। शंभू जी की जो शुरुआत हुई वो कॉमेडी के रूप में हुई, कॉमेडियन के रूप में हुई। आप एक बड़े सरल लेखक हैं, अपनी कलम से अनेक प्रचलित उपन्यासों को आपने लिखा है जिसको लोगों ने बहुत सराहा है। पिछले 2 दशकों से आप भारतवर्ष में नहीं बल्कि इस ग्लोब के हर शहरों, हर प्रदेश में, हर शहर में, हर देश में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है। आपकी कविताएं, आपका योगदान सभी लोगों ने सराहा है, इसलिए आपको भारतवर्ष के कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ अवार्ड का नाम है मैं लेना चाहता हूं। भारतेंदु हरीश चंद पुरस्कार, हिंदी एकेडमिक साहित्य शिखर सम्मान बाय द गुजरात, सॉरी द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और इसके साथ ही हमने अपनी कोई एक सर्च की जिसमें हमें पता चला कि आप भी भारत के टॉप 10 कवियों में, 10 कवियों में से एक हैं। तो आप आइए ज्वाइन करिए हमारे साथ। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच अरुण जैमिनी जी, आई थिंक आप 4थी बार आए हुए हैं शिकागो। हाँ, इनका परिचय कई तरह से किया जा सकता है। एक तो इनकी जो कविता प्रस्तुत करने का अंदाज है हरियाणवी में, ये बहुत ही अनोखा अंदाज है। लोगों ने सराहा है, लोगों ने एंजॉय किया है, और साथ ही साथ आप जो बीच बीच में चुटकुले सुनाते हैं,
ये लोगों को गुदगुदी आती है और उसके बाद लोग खूब हंसते हैं और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे अरुण जैमिनी जी। अरुण जैमिनी जी हिंदी में एमए डिग्री हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री वहाँ से ली और इनका जो एक्सपोजर होता है जैसे लोगों का होता है जेनेटिक, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरुण जी जैमिनी जी के फादर जैमिनी हरिवाणवी बड़े ही फेमस भारतवर्ष के कवि थे और उन्हीं के लेगेसी को आगे ले जाने के लिए बचपन से ही अरुण जैमिनी जी काव्य पाठ करना शुरू कर दिए। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए और गर्व की बात है कि आप भी भारत के 10 कवियों में से एक कवि हैं। आपको भी तरह तरह के अवार्ड मिले हैं, अगर मैं इनके अवार्डों की चर्चा करना लूंगा तो काफी समय लगेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जिनका नाम मैं नाम लेना चाहता हूं। काका हाथरसी अवार्ड बाय हिंदी एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा गौरव अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। दोस्तों आइए एक बार फिर से जोरदार तालियों से माननीय अरुण जैमिनी जी का हम लोग स्वागत करते हैं। अब आज का प्रोग्राम आगे चले, मैं अरुण जैमिनी जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अरुण जैमिनी जी, शंभु शिखर जी और मुमताज जी, हमें बड़ा ही कवि सम्मेलन होने के बाद लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमने प्रीमियम सीट ली थी लेकिन आपने हमें छठे रो में बैठा दिया। कोई कहता है कि हम आगे ही बैठना चाहते हैं और हमारे 22 सीट है आगे केवल। हाँ, तो आप कुछ आज ऐसा करिएगा कि जो सामने के लोग हैं उनको इग्नोर करिएगा और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनके जरा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जिससे कि ये शिकायत न मिले कि जो पीछे बैठे थे उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए। ये एक हमारी समस्या है लेकिन इसका समाधान आप ही निकालिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। अब मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस से हमारे बीच हैं श्री संजीव कुमार पाल जी। ये अभी कुछ दिन पहले ही कॉन्सुलेट में इन्होंने ज्वाइन किया, करीब एक साल होने जा रहे हैं लगभग। वेरी एक्टिव कौंसल ऑफ कल्चरल अफेयर्स, वेरी इंटरैक्टिव विद द कम्युनिटी ऑफ शिकागो लैंड एरिया, नॉट ओनली शिकागो बट आउटसाइड शिकागो के लोग जो हैं हर जगह जा करके लोगों से मिलते हैं, कम्युनिटी वालों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके तरफ से जो भी समाधान हो सकता है आप बड़े ही सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। और हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के फंक्शन में पहली बार आए हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्सुलेट ऑफिस शिकागो शहर का इन लोगों ने एक हिंदी समिति बनाई है जिसमें कि इन लोगों का बड़ा ही एफर्ट है कि शिकागो लैंड एरिया में या जो भी कॉन्सुलेट के टेरिटरी में आता है हर एरिया में हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि कॉन्सुलेट ऑफिस भी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोगों के सामने दो शब्द बोलें, माननीय श्री संजीव कुमार पाल जी। धन्यवाद सुभाष जी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी लोग इच्छुक हैं कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए, कवियों को सुनने के लिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए और अपने वार्षिक हास्य कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर सुभाष पांडे जी और उमा अग्रवाल और सभी बोर्ड मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। कौंसल जनरल श्री सोमनाथ घोष जी की कुछ अन्य प्रोग्राम था तो इसलिए वो उपस्थित नहीं हो सके।
उन्होंने हास्य कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए आयोजकों को और हास्य कवियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित किए हैं। हम प्रधान कौंसल आवास में भारतीय प्रवासियों के बीच हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस का भी आयोजन करते हैं। यह प्रवासी भारतीयों के बच्चों को हिंदी भाषा के माध्यम से भारत में अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद करता है। मैं हास्य कवि अरुण जैमिनी जी, श्री शंभू शिखर जी और मुमताज नसीम जी का भी शिकागो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तरुण जी आप इस साइड आ जाइए, हाँ इधर जाएंगे। ओके, अब ऐसा है कि यहाँ कई चेयर लगी हुई हैं, कुछ चेयर यहाँ से हट जाएंगी और केवल 3 चेयर रहेंगी यहाँ पे। हमारे कवि लोग केवल बैठेंगे, उमा जी और पॉल जी और हम लोग चले जाएंगे अब ऑडियंस में और चेयर भी हम लोगों की चली जाएगी यहाँ से। तो अब आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और आज का जो कवि सम्मेलन है उसको आगे ले जाएंगे हमारे माननीय श्री अरुण जैमिनी जी, जो कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अरुण जैमिनी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आज का कवि सम्मेलन का कार्यभार संभालें और प्रोग्राम को आगे ले चलें। माननीय जैमिनी जी। नमस्ते। इतने सन्नाटे में क्यों बैठे हो आप लोग? देखो जी, थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। हाँ, अब आप थोड़े आनंद में आ जाएं। पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपके दिलों में धड़कते हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूँ। कवियों से आपका परिचय कुछ अतिरिक्त हो चुका है। हाँ, ज्यादा ही हो गया। इस लायक है नहीं जितना परिचय हो गया। पर आप देखिए, इधर कमाल है, अमावस्या और पूर्णिमा कैसे एक साथ आ सकती है। तो ये आनंद की वर्षा होने वाली है जी, बारिश होगी आनंद की, हास्य की भी होगी, गीत गजलों की भी होगी। हिंदी के बारे में बहुत सुभाष जी ने भी कहा, आदरणीय पाल साहब ने भी कहा और उमा जी ने भी हिंदी की बार की क्या बढ़िया हिंदी बोली उन्होंने। और वाकई में हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है जी, क्योंकि जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है और जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये तो अंग्रेजी में दिक्कत आती है कि फलाना अक्षर जो है वो साइलेंट था। भाई फिर था ही क्यों? वो एक ने कहा, चोपड़ा साहब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। बोले थैंक यू चोपड़ा साहब। तो ये दिक्कत अंग्रेजी में है जी सुभाष जी, हिंदी में ये कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। और मैं तो हरियाणा का आदमी, हरियाणा का आदमी तो अंग्रेजी बोलता तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रे, हाउ डू डू रे, वो रे लगाते ही काम हो लेता है। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रे, दूसरा बोला फाइन सू, एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूं। बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन। अब देखो दोनों शब्द हिंदी के लग रहे हैं एकदम, ये हिंदी की खूबसूरती है। ट्रेन लेट है, इसमें सिर्फ है ही शब्द तो हिंदी का है, लेकिन एक है लग जाने से पूरा वाक्य हिंदी का हो जाता है। ये हिंदी की खूबसूरती है।
तो हमारी तो अंग्रेजी ऐसी है जी, हम जानते हैं। वो हरियाणा में दो बूढ़े बैठे थे, तो एक अंग्रेज आया, उसने अंग्रेजी में पता पूछा। अब उन्हें कहाँ अंग्रेजी आवा है, फिर उसने फ्रेंच में पूछा। अब जिसे अंग्रेजी नहीं आ रही उसे फ्रेंच कहाँ से आवागी, फिर जर्मनी में पूछा, फिर इटालियन में पूछा, थक हार के चला गया। तो एक बूढ़े ने दूसरे से कही, बोले कुछ भी हो एक ना एक विदेशी भाषा आनी बहुत जरूरी है, वक्त बेवक्त काम आती है। दूसरा बोला उसने चार आवे थी, कोई काम आई उसके। तो काम तो प्रेम की भाषा आती है मोती जी, प्रेम के अलावा कोई भाषा काम में नहीं आती है। और अब तो खैर हमारे युवा पीढ़ी पढ़ लिख गई थोड़ी, तो हम तो पता बता देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी में कोई पूछे, वो एक ने पूछा एक नौजवान से पता अंग्रेजी में, तो उसने बता दिया, बोले गो स्ट्रेट एंड आस्क अगेन। बता दिया। तो लीजिए कवि संघ हम प्रारंभ करते हैं, माँ सरस्वती की वंदना से कवि संघ का आरंभ हो। और ये हिंदुस्तान अनेकता में एकता का जो प्रतीक है वो आपको इस मंच पे साक्षात दिखेगा जब मुमताज नसीम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। ये सुखद स्थिति, ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी स्थिति, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर आप मुमताज नसीम का स्वागत करें माँ सरस्वती की वंदना के लिए। बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे सरस्वती वंदना के लिए बुलाया। कोशिश करती हूँ मैं और आप सब इसमें शामिल हों जी, थोड़ी देर के लिए जुड़ जाइएगा। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहाँ। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहाँ। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला आसमां। हे सरस्वती, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, अगला बल पढ़ती हूँ इसका, आपके हमको जरा रोशनी दीजिए, आपके हमको जरा रोशनी दीजिए, शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए, शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए, कर दो हम पे जरा आप वैसी कृपा, कर दो हम पे जरा आप वैसी कृपा, धरती पर छोड़ कर जाए अपने निशान। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहाँ। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार वंदना, एक बार और तालियां बजा दें आप, क्या बात।
अब कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि अब ठहाकों की बरसात होने वाली है। तालियां बजाने की एक टेक्निक बता देता हूं बस आपको। जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपना बायां हाथ उठाएं, उठाइए भाई, इसमें अपने पति का चेहरा देखिए, चेहरा देखो चेहरा, उसके बाद जो दूसरा हाथ करेगा एक बार बजा के देख लिया आप, हाँ पीटी दिया बिल्कुल। पुरुष भी निराश ना हो, वो अपना दायां हाथ उठा लें। इसमें भाभी जी की तस्वीर नहीं देखनी, हाँ वरना जो सुबह चाय कुछ मिलता वो भी मिलना बंद हो जाएगा। इसमें देखो उसकी जिसने करवाई थी, अब एक बार तालियां बजा दें आप। मैं शंभू शिखर को आमंत्रित करना चाहता हूं। हास्य का बहुत लाजवाब कवि है, मतलब इतना लोकप्रिय है इन दिनों, स्टेशन पे जाओ तो कुली और एयरपोर्ट पर जाओ तो पायलट तक पहचानता है। सच में ये रेंज कमाल है अपने आप में, कुली से लेकर पायलट तक। कुली भी कहता है सामान आप उठाओ और पायलट कहता है कि आप उड़ाओ। तो ये जो लोकप्रियता है बड़ी मुश्किल से मिलती है। शंभू शिखर ने वो लोकप्रियता हासिल की अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने हास्य के माध्यम से। ठहाके लगवाने वाले, भरपूर ठहाके लगवाने वाले कवि का नाम है शंभू शिखर। आइए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें शंभू शिखर। पीछे वालों को प्रणाम और आगे वालों को इग्नोर करता हूं। बहुत अच्छे, यही कहा भी था। सुभाष जी ये भी बता दो कितना इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा लिफाफा तो आगे वालों के पास ही है। पता चले हमने आगे वालों को मोतीलाल जी इग्नोर कर दिया, फिर हम ही इग्नोर हो गए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आप लोगों ने हंसने के लिए समय निकाला। आज की तारीख में सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी वही है जिसके पास हंसने के लिए समय है। आप लोगों ने वो समय निकाला। मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूं, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा, और जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी एक एक करके बंद होने लगे। बहुत अच्छे भाई। कमाल की बात यह है कि वो भी शराब में ही बंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का कार्यक्रम है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं पिछले 11-12 दिनों से अमेरिका में हूं। जहां जहां गया हूं हर जगह बुलडोजर दिखा है। बाबा की यहां तक भी ख्याति पहुंच चुकी है। पहले कवि के रूप में अरुण जैमिनी जी ने मुझे आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। बहुत अच्छे। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं। अच्छा। बहुत अच्छे। जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटियां आपको परोस दी जाएंगी। भाई शंभू एक बात बता दे जी, ये बैंगन कब से फलों में शामिल हो गया? देखिए अरुण जी बड़े कवि हैं, मैं कुछ कहूं जवाब दूं ठीक नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग करेंसी वैल्यू निकालिए अगर, तो भारत में तो सबसे बड़ी वैल्यू वो 500 का नोट है आज की तारीख में, तो अरुण जी बिल्कुल करेंसी वैल्यू में बिल्कुल 500 का नोट होंगे। अच्छा। मैं मान के चलिए 10 का नोट, 20 का नोट। लेकिन आप सब जानते हैं बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं महिलाएं हंस रही हैं, प्रणाम करता हूं,
इस तरह से हंसती हुई महिलाओं को देख करके जो मुझे खुशी होती है, बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। नहीं, अगर ये घर पर भी ऐसी रहेंगी तो काहे को एसोसिएशन के लोग इतना पैसा खर्च के हम लोगों को बुलाएंगे, बाहर आकर के हंसेंगे, घर पे नहीं हंस लेंगे। लेकिन सच बता रहा हूं, आप लोगों के कार्यक्रम के लिए मैं सबसे ज्यादा उत्साहित था। जब इस पूरे कार्यक्रम की श्रृंखला बनी तो यहां का कार्यक्रम शिकागो, क्योंकि हम लोग शुरू से ही इसका नाम सुनते आ रहे हैं, भारत को विश्वगुरु की पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद की यात्रा भी यहीं से प्रारंभ हुई थी, इसलिए उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। चार लाइनें आपको सुनाता हूं, और जितने भी लोग यहां पर हैं मैं आपको बता रहा हूं, भाई साहब बताया कि पीछे वालों पर विशेष ध्यान देना, लेकिन मैं वो देख रहा हूं आप तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे पत्नी के पास बैठे हो। मैंने तो अरुण जी एक शेर सुना था, लिखा था कि वो पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, अगर मुस्का के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। अब मोतीलाल जी, मैंने एक जगह ये सुना दिया, उस दिन से सुनने वाले सारे आदमी मुंह लटकाए बैठे हैं। बोले यार कभी तो भागे। लेकिन सबको ये मौका नहीं मिलता। आप लोग इतने शानदार तरीके से हंस रहे हैं, इतना आयोजन बढ़िया आपका, मैं तो एक कार्यक्रम में था, सुना रहा था, सारे लोग हंस रहे, तालियां बजा रहे, एक वो कोने में बैठे हुए आदमी न हंस रहे न ताली बजा रहे, तो मैंने पूछा भाई साहब आप क्यों नहीं हंस रहे न ताली बजा रहे? बोले भाई मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अच्छा। मैंने कहा ताली भी नहीं बजा रहे? बोला जी उसके लिए भी आदमी रखे हुए हैं। थोड़े दिनों बाद उनकी शादी हो गई। मुझे 15-20 दिन बाद मिले, मैंने पूछा हनीमून पे नहीं गए क्या? बहुत अच्छे। तो आदमी किसी को इतना अमीर ना करे, कई बार बहुत सारे काम खुद ही संपादित करने पड़ते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, वो पिछले दिनों चीते भारत में आए थे। अच्छा। आप सबको याद होगा, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत में आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। बहुत अच्छे। और उत्तर प्रदेश के लोगों, जागृत करना अपनी चेतना को। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, तो मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत अच्छा। मैं बता रहा हूं, आज तो हम लोग सुभाष जी के घर पे मेहमान थे, और सुभाष पांडे जी, आदरणीय कंचन पांडे जी ने इतना बढ़िया हमें स्वादिष्ट भोजन करवाया, आनंद आ गया। मेरे तो घर में सर पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। अच्छा। मैंने कहा कि ठीक है, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। भाई साहब मुंह बना के बैठ गई। बहुत अच्छे। लेकिन वो बना करके लाई।
अच्छा लाई। हाँ लाई बना करके बकायदा। जब लाई तो मैंने कहा ये क्या है, बोली पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं थी। मैंने कहा इसमें पनीर कहाँ है, क्या पनीर की सब्जी है, बोली खोया पनीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शंभू। मेरी आंखों से एक आंसू टपका, उसमें गिरा। मैंने कहा भाग्यवान अब ये रोया पनीर हो गया है। सच बता रहा हूं, सुभाष जी से कई दिन से बात हो रही थी तो इन्होंने पूछा शंभू जी आपको खाने में सर्वाधिक क्या पसंद है, बताइए क्या बनाए। मैंने कहा जी सब कुछ बनाना, जीरा राइस मत बनाना। बोले क्यों जीरा राइस क्यों नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा लगता था, एक दिन मैंने उसमें एक जीरा चलते हुए देख लिया। सच बता रहा हूं आपको, उस दिन से जो मेरा जीरा, तो कमाल बता रहा हूं। अच्छा आजकल एक शब्द चल रहा है मोए मोए, आप सबने तो रील्स में खूब देखा ही होगा। वो एक आदमी ने अमरूद खरीदा और जैसे ही आधा खाया तो देखा उसमें कीड़ा है। अच्छा नहीं, मोए मोए अभी नहीं हुई, मोए मोए तो तब हुई जब कीड़ा भी आधा था। और आज तो सबसे बड़ा कमाल, एक तो देखिए यहां पे स्ट्रीट डॉग मिलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो एयरपोर्ट पे हम बाहर घूम रहे थे, तो एयरपोर्ट पे तो घटना कमाल हुई आज। घटना क्या, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो हम लोग थोड़ा गलत डायरेक्शन में चले गए थे, जल्दबाजी में गलत डायरेक्शन में चले गए, तो मैंने वहां देखा दो भारतीय आदमी थे आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे, आधे घंटे से। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। मेरे साथ वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। भारतीय आदमी का भी कोई मुकाबला नहीं है सब, सच बता रहा हूं। और उत्तर प्रदेश वालों को तो बिल्कुल नहीं है, पूरी दुनिया में साहब उत्तर प्रदेश का मतलब ही है जिसके पास हर चीज का उत्तर हो। हाँ, वो उत्तर प्रदेश का एक आदमी इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बना तो उसके मच्छरदानी में छेद हो गया, उसने ठीक नहीं कराया, वो एक पाइप खरीद के लाया, दूसरी तरफ छेद किया और पाइप में बाईपास करके इधर से फंसाया और मच्छरदानी में उधर से निकाल दिया। अब मच्छर इधर से घुसे और उधर से बाईपास। ऐसे उत्तर प्रदेश वालों को प्रणाम करता हूं जो कमाल करते हैं। मैं सर सुभाष जी, वो तो मैं आपका नाम ले सकता था लेकिन मुझे आपको इग्नोर करना है ना, तो बता दे जी पीछे। लेकिन पीछे वालों तुम क्यों इतना कम ताली बजा रहे हो, मैं तो तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे, इतनी वैरायटी होती है। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए एक दबाइए, चाट पापड़ी के लिए दो दबाइए, गसक नमकीन के लिए तीन दबाइए, गोलगप्पा सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी मैंने एक दबा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए एक दबाइए, बर्फी लेने के लिए दो दबाइए, जलेबी लेने के लिए तीन दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए चार, मुझे लड्डू चाहिए था मैंने एक दबा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए एक दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए दो दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए तीन दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए चार, मुझे बेसन का चाहिए था मैंने एक दबा दिया, एक किलो लेने के लिए एक दबाइए, दो किलो लेने के लिए दो दबाइए, तीन किलो लेने के लिए तीन दबाइए, सौ किलो लेने के लिए चार, एक दबाना था गलती से चार दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। एक मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है।
मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, बहुत अच्छे, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए, आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए बजाते जाइए बजाते जाइए बजाते जाइए, बहुत अच्छे भाई वाह, क्या बढ़िया, आप लोग आनंद से सुन रहे हैं, महिलाओं को हंसते हुए देख के जो मुझे खुशी होती है, सच बता रहा हूं आपको सर, महिलाओं को 1000 तरीके अपना लो खुश नहीं कर सकते, हम पुरुष महिलाओं को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे, सच बता रहा हूं आपको, मैं तो ट्रेन में आ रहा था बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 के नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है, 80-90 बोली, 38 होगी 38-40, अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोली होगी 18-20, मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा, बोली भाई सब क्या कर रहे हो, मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश, बहुत अच्छे भाई वाह, तो मामला बिल्कुल अद्भुत है साहब, ट्रेन में बैठे हुए सामने 4 महिलाएं सब लगी हुई, मैंने कहा बहन जी ये क्या बोली, ऐसा करने से नए बाल उगते काले घने लंबे होते हैं, एक नहीं कर रही थी, मैंने कहा तुम क्यों नहीं कर रही हो, बोली करती थी अब छोड़ दिया, मैंने कहा क्यों छोड़ दिया, बोली 2 साल ज्यादा कर लिया मुझे निकल आई, तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है, हर चीज अपने हिसाब से ही करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के एक एक लोकती के चेहरे पर जो मैं मुस्कुराहटे देख रहा हूं ना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं, और आभार उत्तर प्रदेश एसोसिएशन का करता हूं जिन्होंने आप लोगों को एक साथ जोड़ा, हाँ सच बता रहा हूं आप लोग हंसने के लिए आए हो क्योंकि आपको रुलाने के लिए आपके रिश्तेदार काफी है, किसी चीज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है साहब, ये 4 लाइन सुनिए, आजकल रील्स का बड़ा दौर है, जहां देखो लोग रील्स बनाने में लगे हुए हैं, जहां देखो रील्स बनाने में लगे हुए हैं, अच्छा उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, सब रील बनाने में लगे हुए हैं, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है आप लोग आनंद लीजिए, अभी मुमताज जी गा रही थी बहुत अच्छा साउंड है, तो मुमताज जी तो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं, अब इन 4 लाइनों का आनंद लीजिए कि रील बनाने वालों का अरुण जी क्या हाल होता है, कि ले ली थी जीत हमने मगर मात ले लिए, ले ली थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे दुल्हन ने मेरे पंडित जी के, 4 लाइनें और सुनाता हूं जो आप सबको आनंदित कर देगी, भाव से भर देगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी, और आप लोग उत्तर प्रदेश वालों कमाल होते हो, योगी जी की सरकार आई, पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए, मैंने 4 लाइनें लिखी, कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को, मैं देख रहा हूं कई सारी महिलाएं घूर घूर कर देख रही हैं, नहीं मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है, कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, और एक व्यंग की लाइन सुनिएगा साहब,
क्या मजा आ जाएगा। मेरा एक दोस्त मोतीलाल जी, मेरा एक दोस्त 20 किलो आलू लेकर घर से बाहर निकला, 20 किलो। तो एक आदमी मिला, उसने पूछा मशीन आ गई क्या? तो कमाल का मामला है साहब। धन्यवाद एक ताली जो आपने बजाई है। उत्तर प्रदेश लोगों की बड़ी खासियत होती है साहब, हर चीज बहुत अच्छी है। हम यूपी और बिहार वालों की बस एक चीज है कि हम लोग गुटखा बहुत खाते। हाँ, मुझे तो यहां पर भी कई लोग मिल गए साहब। हम लोग इतना गुटखा खाते हैं कि अगर हमें एक महीने के लिए ताजमहल पर छोड़ दिया जाए तो लाल किला बनाकर लौटेंगे। मैं सच बता रहा हूं, मुझे तो दुबई में वो मिल गए तीन लोग मिल गए मुझे। तीन लोग में एक वो अमेरिका का, एक दुबई का और एक उत्तर प्रदेश का। हाँ, उत्तर प्रदेश में, वो भी प्रयागराज का। अब आप कहोगे कि मुझे पता कैसे चला कि भाई वो उत्तर प्रदेश का है, वो भी प्रयागराज का है? तो सुभाष जी उसकी हरकतों ने बता दिया कि हो ना हो ये यहीं का ही है। वो तीनों चाय पी रहे थे, चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब उसने देखा इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, अपन उत्तर प्रदेश वाले, हमें कुछ अलग करना चाहिए। उसने बड़ी मुश्किल से कप को ऐसे तिरछा करके आरा टिकाया तो दोनों हंसने लग गए। बोले तूने क्या किया? बोले पहले तुम बताओ। अमेरिका का बोला देखो मुझे चाय और नहीं चाहिए इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला देखो मुझे चाय और चाहिए इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब वो यूपी का बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, टेंशन काहे को लेते हो। चाय खत्म करते अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली, उड़ा दिया था। बोले तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं, हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते उसमें दोबारा कभी चाय नहीं पीते। इतना सुनते ही दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाली, उड़ा दिया धाएं। बोले तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं, हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उस पर बैठकर फिर कभी दोबारा चाय नहीं पीते हैं। सर अब यूपी का, उसने निकाला कट्टा, उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना, उसने निकाला कट्टा, एक अमेरिका वाले को धाएं, एक दुबई वाले को धाएं। तो मैंने पूछा भैया ये तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं, हम उत्तर प्रदेश वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उसके साथ फिर कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। तो मामला तो बहुत ही अद्भुत है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कार्यक्रम की एक सीमा है, समय सीमा है, हमें वहां तक उसको ले जाना है। दो दौर में यह कार्यक्रम चलेगा, मैं आप लोगों के बीच में दोबारा आऊंगा। लेकिन मेरे आने से पहले आइए, मैं जिनको आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूं उनका नाम मुमताज नसीम होता है। और मुमताज नसीम जी को मैं अपने बाद इसलिए बुलाना चाहता हूं क्योंकि आप लोग कई बार मंदिर ऐसी जगह जाते हैं, हमारे यहाँ मंदिर बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे माता के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा हास्य वही है दोस्तों जो खुद पर किया जाए। बहुत धन्यवाद, सचमुच आभार। क्या सुन रहे हैं शिकागो वाले आप लोग, मैं सच बता रहा हूं, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। क्या शानदार तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। आइए, मुमताज नसीम जिनके बारे में आपको खूब परिचय दे दिया गया है इसलिए मैं इतना परिचय तो आपको दूंगा नहीं, वो अलीगढ़ से आई हैं, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है लेकिन उनके पास दिलों के तालों को खोलने की चाबी है। आवाज की वो ऐसी धनी है, आप उनकी आवाज को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इससे मधुर आवाज शायद ही कभी आपने किसी कवित्री की मंच से सुनी होगी। आपके यहाँ पर कवि सम्मेलन की परंपरा बहुत पुरानी है लेकिन मुमताज नसीम जी आप लोगों के बीच में पहली बार हैं, पहली बार तो मैं भी हूं, लेकिन मुमताज जी के लिए थोड़ा अतिरिक्त तालियां बजाइए क्योंकि वो अपनी शायरी में, अपनी कविता में, अपनी गजल में, अपने मुक्तकों में रोना धोना महिलाओं का नहीं करती है, वो महिलाओं का गुरूर गाती है। क्या बात, महिलाओं की एक बार तालियां उठनी चाहिए। आइए मुमताज नसीम जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं एक मरतबा चाहती हूँ कि आप आदरणीय शंभू शिखर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस महफिल को आपने ऊर्जा दी, आपने जो रंग चढ़ाया, बड़ा पक्का पक्का सा रंग चढ़ा दिया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके रंग को थोड़ा सा कम कर दूँ, क्योंकि मुझे अपना रंग थोड़ा सा जमाना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके रंग पर थोड़ा सा अपना रंग जमाऊं। आप अगर चाहते हैं कि अब इनके काव्य पाठ के बाद मेरी चूंकि बारी आई है, तो मैं आपके दिलों पर अपनी थोड़ी सी छाप छोड़ूं, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। तो मैं चाहती हूं कि एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा दें और मुझे इजाजत दे दें कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। स्वागत है जी। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आदरणीय सुभाष जी, आलोक शर्मा जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने IHA का हिस्सा बनाया। इसी वजह से आलोक मिश्रा जी, एक ही बात है कि उन्होंने मुझे IHA का हिस्सा बनाया और आप सब लोगों से मिलने का ये मौका मुझे दिया। सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप तमाम लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कोशिश करूँगी मेरी बात भी आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले जोड़ने के लिए चार पंक्तियां खास तौर पर पढ़ना चाहती हूं कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और चार पंक्तियां ये भी पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए कि सारे गम भूल जाओ के वादा करो, सारे गम भूल जाओ के वादा करो, खुशियां मनाओगे वादा करो। देखो सारे परिंदे बिखर आ गए, देखो सारे परिंदे बिखर आ गए, आप भी लौट आओगे वादा, आप भी चार पंक्तियां जोड़ने के लिए पढ़ती हूँ। सुने के खास तौर पर के दर्द आंखों से बहता रहा है, मगर हम सुनाएंगे गाकर तुम्हारे लिए, हम सुनाएंगे गाकर तुम्हारे लम्हे चुरा कर तुम्हारे लिए, चंद लम्हे चुरा कर तुम्हारे लिए। क्या अच्छा सुना है आप लोगों ने, ऐसी उम्मीद थी। सुभाष जी, आपने बताया था कि बहुत अच्छी ऑडियंस है, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक खूबसूरत महफिल और उसमें आप लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। एक गज़ल पढ़ती हूँ, तहत में कोशिश करती हूँ कि मेरे ये कुछ अच्छे अशार हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। यहाँ पर मेरी बहनें मौजूद हैं, बहुत तादाद में मौजूद हैं। सुने कि मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। अच्छा। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। क्या बात है। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं, मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। और ये शेर आपके घरों से, हम सबके घरों से, कि कहीं पे जूते
तो कपड़े कहीं किताबें कहीं, कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं किताबें कहीं, मैं रोज रोज ये कमरा सवारने की नहीं, मैं रोज रोज ये कमरा सवारने की नहीं। और खास तौर पर ये शेर के तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को सवारने की नहीं, तो याद रखना मैं खुद को सवारने की नहीं। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत शुक्रिया। अब एक गज़ल पढ़ती हूँ सीधे, क्योंकि दो दौर होने हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी पसंदीदा गज़ल है वो मैं आप तक खास तौर पर पहुँचाऊँ। सुनिएगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुने बतौर खास इसका मतलब कि पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई, पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई पागलपन में, क्या क्या भूल गई तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई पागलपन में, क्या बतलाऊं। भाभी जी सुनिएगा ये शेर खास तौर पर, तेरा चेहरा याद रहा बस अपना चेहरा भूल गई, तेरा चेहरा याद रहा बस अपना चेहरा भूल गई पागलपन में। खास तौर पर शेर आपको अच्छा लगेगा, सुने इसका खास तौर पर ये शेर आप सुने कि प्यार के मौसम में आई अदला बदली रास मुझे, प्यार के मौसम में आई अदला बदली रास मुझे, तेरा मफलर जब से मिला है अपना दुपट्टा भूल गई, तेरा मफलर जब से मिला है अपना दुपट्टा भूल गई पागलपन में। खास तौर पर ये शेर भी अपने साथ लेकर जाएंगे, आप सबकी नज़र करती हूँ, IHA की नज़र करती हूँ, उत्तर प्रदेश एसोसिएशन की नज़र करती हूँ, खास तौर पर सुने के तूने जब आवाज लगाई दरवाजे पर आ पहुंची, तूने जब आवाज लगाई दरवाजे पर आ पहुंची, इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा पर्दा भूल गई, इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा पर्दा भूल गई पागलपन में, क्या बतला। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत अच्छे से गज़ल को बिल्कुल गज़ल की तरह आपने सुना, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। खास तौर पर मुझे एक नज़्म के लिए हुक्म दिया है तो उससे पहले एक गज़ल
टाइम है इतना? अच्छा ठीक है, चलिए। मैं तो बस वही कोशिश कर रही थी कि वक्त जितना है इंटरवल के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ। जी जी जी, ये मैं जानती हूँ। अच्छा, आप बदले नहीं हैं आप लोग? अच्छा लगा ये जानकर। चलिए माइक। उत्तर प्रदेश वाले इतनी फुर्सत में रहते हैं कि वो मोदी जी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर को बुला करके 3 घंटे उससे गंगा आरती करवाई, फिर उसे कहा जी कि हमें बुलेट ट्रेन के लिए लोन चाहिए। बोले जी आपके पास जब इतनी फुर्सत है तो बुलेट ट्रेन का करोगे क्या? तो उत्तर प्रदेश वाले बहुत फुर्सत में रहते हैं। जी कुछ मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं और मुझे याद भी दिलाया, तो मैं वो मुक्तक आप लोगों के लिए खास तौर पर पढ़ती हूँ। उससे पहले कुछ 2-3 शेर हैं मेरे के। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। वो एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ। क्या बात है, वो एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं। तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ। सुनिएगा कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ। प्यार की खुशबू का, प्यार की खुशबू का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोक मंजर हूँ मैं। प्यार की खुशबू का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोक मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुकद्दर अच्छा सुना। इसी से जुड़े हुए ये 4 पंक्तियां और हैं, सुने के। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी के नस नस में बस जाओगे। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। और खास तौर पर ये 4 पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं, पढ़ती हूँ सुने के। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे। वाह
वैसे रेशम के कपड़े, क्या अच्छा सुना आपने जी। चाहता है चार पंक्तियां खास तौर पर और सुन ले, सुने के बेवफा तो आजा, बेवफा तो आजा, खुदा के लिए उम्र भी अपनी पलके झपकने लगी, बेवफा तो आजा, बेवफा तो आजा, खुदा के लिए उम्र भी अपनी पलके झपकने लगी, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। एक बार भरपूर तालियां बजाइए मुमताज नसीम के लिए। बहुत शुक्रिया, क्या बढ़िया बात इन्होंने कही। बहुत शुक्रिया। अब वो जिस नज्म का जिक्र कर रही थी, उस नज्म को सुनने के लिए आपकी थोड़ी सी मानसिकता और थोड़ा सा मन बहुत जरूरी है। यूं तो आप सब बहुत अच्छे मन से सुन रहे हैं, हम सब यहाँ पर बैठे हुए आप सबके चेहरों को देख रहे हैं और आपके भीतर पूरी तरह से कविता उतर चुकी है। ये बिल्कुल सही समय है जब मुमताज नसीम जी की वो नज्म, घटना लगभग 12-13 साल पुरानी होगी, दिल्ली के पाकिस्तान दूतावास के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कवि सम्मेलन मुशायरा, इंडो पाक मुशायरा, जिसमें पाकिस्तान से भी कुछ शायर थे, भारत के भी हम लोग थे, मुमताज जी, अरुण जी, मैं और भी बहुत सारे शायर, पाकिस्तान के 5-6 शायर, सुनने वाले लोगों में पाकिस्तान के कई राजनेता और वहाँ के कमिश्नर। आप जानते हैं कमिश्नर सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी होते हैं उस देश में जहाँ पे रहते हैं। उनके सामने मुमताज जी ने जो नज्म पढ़ी, वो नज्म दोस्तों इतनी बेहतरीन है कि वो नज्म हम चाहते हैं कि वो आप भी सुने, और मुमताज जी के भीतर जो एक भारतीयता है और अपने देश के प्रति एक प्रेम है वो आपको समझ में आएगा। मैं मुमताज जी से गुजारिश करूंगा कि इतने अच्छे श्रोताओं को उस नज्म से आप जरूर नवाजें। आप लोग एक बार तालियां बजाइए मुमताज नसीम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसा कि शंभू जी ने कहा, मैं भी चाहती थी कि वो नज्म आप तक पहुंचे, लेकिन अब मोहर लगा दी है, आप सब चाहते हैं, ख़ास तौर पर ये नज्म मैं आप लोगों के बीच में हाजिर करती हूँ। इस नज्म का नाम है सरहद पार अजीज़ों के नाम। सरहद पार से हमारी नज़र पाकिस्तान पर जाती है, और इस पूरी नज़म में मैंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, अज़ीज़, और किस तरह से इसको इसमें पिरोया है ये बात आप तक पहुंचाना चाहती हूं, और इस उम्मीद के साथ कि अगर ये बात आप तक पहुंच जाएगी तो आपको सुनने में आसानी होगी और मुझे पढ़ने में आसानी होगी। मैं अपनी नज़्म को शुरू करती हूं और आपसे थोड़ा सा वक्त मांगती हूं। तालियां आप बजाएं ना बजाएं, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद मैंने आपके मन की बात कही है। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं, ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं, बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर बयानी पे है मजबूर ज़बानी शायर, आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, कल्बे है सांस को होता है जुदाई कमलाल, अज़ीज़ों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं, और क्यों जरूरत नहीं सुने खास तौर पर ये बंद, क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, दिल के अरमानों में इखलास की जन्नत ना रही, भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत
का सबक भूल गए, हिंद के जुज़्वे हंसी तुम भी थे क्या याद नहीं, और जर्रे खुल्दे ज़मी तुम भी थे क्या याद नहीं। अज़ीज़ों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और अब खास तौर पर ये बंद, खास तौर पर आप सबको ऐसा महसूस होगा कि शायद आपकी बात है, आप भी यही कहना चाहते हैं। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था। क्या कहने भाई, वाह वाह मुमताज, वाह मुमताज, जिंदाबाद, क्या बात। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहन चमन छोड़ा था, फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। अज़ीज़ों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। अपनी तरफ से ये बंद पढ़ती हूँ, सुने। कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना, अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी, नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते क्यों हो। ऐ अज़ीज़ों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, फिर इजाजत चाहूंगी आप सभी से। हुस्ने अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे, रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे, तब ये समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, खून का मोल है क्या जान की कीमत क्या है, तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा, और पर सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। कहने वाह 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 वाह, वाह 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 क्या कहने। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। ऐ अज़ीज़ों ये ठहाके, ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरे कभी दिल्ली में तो कभी लाहौर में हो रहे होते, और आप और हम सब वहीं पर इसका आनंद ले रहे होते। लेकिन मुमताज जी ने क्या बढ़िया महफिल बांधी, क्या बढ़िया। कुछ महिलाओं ने तालियां फिर से बजाई, उन्हें फिर से प्रणाम करता हूं। सचमुच मुमताज बहुत बहुत। रूहाना रूही का एक शेर है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी है उन्हें समर्पित करता हूँ। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, अब तो बेटे भी होने लग गए घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही सामान न समझा जाए। क्या बढ़िया बात है, कई महिलाओं की आंखों में मैं नमी देख रहा हूँ। क्या कहने आप लोग, सचमुच। एक सवाल कि आफ्टर जो इन्होंने पढ़ा वहां पे, सर उनका रिएक्शन तो हमें नहीं पता चला, जो सच बात है। लेकिन जो वहाँ के शायर आए थे, क्योंकि उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने इस बात पर बड़ा एतराज जताया कि हम लोग क्यों गए हिंदुस्तान को छोड़कर और हम पछताते हैं। ये सच्चाई है, कमिश्नर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ के शायरों का ये कहना था कि भाई ये हमसे तो भूल हुई कि हम वहाँ पर गए।
हमें यहीं पर रहना था, बल्कि भारत और पाकिस्तान अलग होना ही नहीं चाहिए था। ये बात थी सर बस। इसके अलावा हमें, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी होगी वो क्या कहे क्या ना कहे, क्योंकि उनका कहना तो बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल हो जाता, तो इसीलिए कई मौके पर लोग जो है ना वो चुप लगा के बैठे रहते। ऐसे मौके पर पुराने प्रधानमंत्री हो जाते हमारे वाले। खैर आइए, मैं कुछ और अब आपको, हमारे बीच में भाई साहब हरियाणा का एक आदमी है अरुण जैमिनी, इन्हें मैं आपकी तरफ झोंकता हूं। हरियाणा के आदमी को झोंका ही जाता है। अद्भुत हास्य के कवि हैं साहब, एक एक शब्द में हास्य, एक एक बोली में व्यंग, और सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया में लगभग 40 से अधिक सालों से, पूरी दुनिया में जहां जहां भी लोग हंसना चाहते हैं ना, वो अरुण जैमिनी को जानते हैं। एक बार आपकी तालियां अरुण जैमिनी जी के लिए बजे। हरियाणा से आए हुए एक ऐसे अद्भुत कवि जिन्हें पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने हरियाणा गौरव रत्न का पुरस्कार दिया, और पुरस्कार में सच बता रहा हूं सर, ये माइक है, झूठ नहीं बोलूंगा, सरस्वती का मंच है। पुरस्कार में अरुण जैमिनी को हरियाणा रोडवेज के नॉन एसी बस का पास दिया। ये कमाल हरियाणा में उस। मैंने अरुण जी से कहा, अरुण जी कमाल करते हो। बोले यार इसे हिंदुस्तान में तो कमाल है, कवि सम्मेलन खत्म करने की ने बड़ी जल्दी रहती है भारत में। मैंने पूछा जी आपको इतनी जल्दी क्यों रहती है, बोले कुछ नहीं यार घर जाने की जल्दी है। मैं क्या होगा घर जाने की क्यों जल्दी रहती है, बोले जब जाता हूँ तभी तुम्हारी भाभी खाना खाती है। मैंने कहा इतना प्यार करती है क्या, बोले नहीं जाता हूँ बनाता हूँ तो वो भी खाती है मैं भी खाता हूँ। तो मैं कैसे कवि को बुला रहा हूँ जो आप सबके चेहरे पर इस मुस्कुराहट को कई गुना कर देंगे। लेकिन एक सच्ची बात और आप लोगों को बताता हूं, एक अच्छी बात। पिछले जैसे अभी हम अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाकर के लोगों के चेहरे पर हंसी बांट रहे हैं, हम पिछले दिनों राजस्थान के विभिन्न शहरों में जाकर के कवि सम्मेलन कर रहे थे। तो वहां पे बहुत सारे शहर हैं, आप जानते हैं। एक दिन हमारा कार्यक्रम जोधपुर में था, उदयपुर में था, जयपुर में था। एक कार्यक्रम हमारा था लाडनू में। लाडनू एक जैनियों का तीर्थ स्थल भी है, तो लाडनू में एक कार्यक्रम था। लाडनू के कार्यक्रम में जब हम पहुंचे तो हमें वहां जाकर पता लगा कि वहां पर एक ऐसा कुआं है कि उस कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर के आप जो आवाज लगाएंगे, आपकी आवाज को कई गुना बढ़ा करके कुआं वापस लौटा देगा। हमें बड़ी उत्सुकता हुई। यूं तो हम कहीं अधिकतर घूमने जा नहीं पाते, कभी सम्मेलनों में इतने थके रहते हैं कि हम सोचते हैं कि आराम हो जाए तो यही बड़ी बात है, लेकिन ये अजूबा था। लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये सच है। तो मैंने अरुण जी को तैयार किया, मुमताज नसीम जी भी चलने को उत्सुक हुई। हम लोग उस कुएं को देखने के लिए पहुंचे। कुआं थोड़ी दूरी पर था, तो मेरी उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि मैं दौड़कर कुएं के पास चला गया और मैंने कुएं के मुंडेर पर खड़े होकर कुएं में झांक कर आवाज लगाई। मैंने कहा शंभु शिखर। कुएं ने मेरी आवाज को कई गुना बढ़ा दिया। शंभु शिखर, शंभु शिखर, शंभु शिखर, शंभु शिखर, पूरे वातावरण में। मैंने फिर से अपनी आवाज को समेटा और फिर आवाज लगाई शंभु शिखर। कुएं ने वापस जवाब दिया शंभु शिखर, शंभु शिखर, शंभु शिखर। इतने में मुमताज जी आ गई, इन्होंने आवाज लगाई। मुमताज नसीम, कुएं ने फिर जवाब दिया मुमताज नसीम, मुमताज नसीम, मुमताज नसीम। मुमताज जी ने फिर से आवाज लगाई, कुएं ने फिर जवाब दिया मुमताज नसीम, मुमताज नसीम। अरुण जी आए, इन्होंने आवाज लगाई अरुण जैमिनी। कुआं चुप हो गया, कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर आवाज लगाई इन्होंने अरुण जैमिनी, कुएं ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हमारे चेहरे पर भी ऐसे ही मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मैंने देखा थोड़ी सी दूर पर बैठे एक बाबा मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनकी मुस्कुराहट में राज लगा। मैं बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा एक बात समझ नहीं आई, इस कुएं की इतनी प्रसिद्धि है, जवाब देने में माहिर है। मैंने आवाज लगाई तो कुएं ने जवाब दिया। कुएं ने कहा शंभु शिखर, शंभु शिखर। मुमताज नसीम ने आवाज लगाई तो कुएं ने जवाब दिया। कुएं ने कहा मुमताज नसीम, मुमताज नसीम। अरुण जैमिनी ने आवाज लगाई तो कुआं क्यों खामोश रहा। तो बाबा ने जो जवाब दिया वो अरुण जैमिनी जी की भूमिका होती है। बाबा ने कहा बेटा इस पूरे संसार में शंभु शिखर का जवाब हो सकता है,
मुमताज नसीम का जवाब हो सकता है, लेकिन अरुण जैमनी वो लाजवाब शख्सियत है जिसका कहीं कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। आइए आप लोगों के बीच में हरियाणा के अद्भुत कवि, आपकी जोरदार तालियों के बीच में सौंपता हूं अरुण जैमनी। कर लेंगे, कर लूंगा, पहले यही करता था। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं, पता नहीं किस कुएं का जिक्र किया भाई ने। नहीं, हमारे हरियाणा में ऐसे कुएं नहीं होते। वो एक पति पत्नी जा रहे थे, लगा पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जहां जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कार रोकी, कुएं में झाका कुछ मांगा, उसके बाद पत्नी ने कुएं में झाका कुछ मांगा, तो जब पत्नी मांग रही थी तो वो कुएं में ही गिर गई। तो पति बोला, आज से पहले मैं इन बातों विश्वास नहीं रखता था। बहुत अच्छे, नहीं करता था। वाह। खैर, बहुत बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। मुमताज नसीब ने क्या बढ़िया पढ़ा है। एक सूचना दे दूं कि मुमताज नसीब की पेन ड्राइव यहाँ उपलब्ध है, आप वो निश्चित रूप से सहेज के रखें। कितना मीठा स्वर है उनका, कार चलाते हुए कभी एकांत में सुनने का मन करे तो उस पेन ड्राइव से आप उनके गीत गज़लों को खूब सुन सकते हैं। $10 मात्र कीमत है, प्रचार के लिए मेरा कमीशन है उसमें, तो इसलिए मैं विशेष रूप से प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि दो पैसे मुझे ही मिल जाएंगे। तो वो अवश्य खरीदिएगा आप, बाद में आप मुमताज जी के पास हैं, और नहीं तो सुभाष जी से पता कर लीजिएगा। विज्ञापन खत्म। नहीं, वाकई में क्या मीठा स्वर है जी। मुझे तो एक शेर याद आया था इनका, जब स्वर सुनता हूँ कि इस मधुबन की रात में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। तो इतना बढ़िया स्वर है इनके पास, क्या बढ़िया श्रृंगार सुनाया उन्होंने, हरियाणा वाला सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। नहीं, एक ने कोशिश की। अच्छा। बोले, सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें। वाह, अच्छी लाइन लिख दी। हाँ, पहली लाइन तो भाई ने जोर लगा के ठीक ठाक लिख दी। जोर लगा के। बोले, सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं। तो बाद में तो हरियाणा का आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है। तो हमारे प्यार का मामला अलग है, उस पर बाद में बात करेंगे। दरअसल वैसे भी कोरोना काल ने 3 साल हंसने नहीं दिया जी, बहुत बुरी स्थिति रही 3 साल। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो सुभाष जी, मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। अच्छा। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा विनीता जी, इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपका अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक वो समस्या थी लॉकडाउन की जी, पता नहीं यहाँ क्या स्थिति थी मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में तो साहब वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में, बाहर सब कुछ बंद, कहीं आप जा नहीं सकते। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का, इससे बुरा समय हो नहीं सकता। बुरा समय। वाह। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का, वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले, पता नहीं ये बीमारी कब जावेगी। बीमारी नहीं, पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया,
देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। तो ये कष्ट भी सहा जी। अच्छा एक कविता और कोरोना काल से संबंधित सुना देता हूँ जी, फिर उसके बाद हरियाणा पे आएंगे। अच्छा, कारण ये कि कोरोना काल इतना विभत्स मामला था, इतना कष्टदायक मामला था, उसमें से हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल काम था। और वो तीन साल बिल्कुल हम खाली थे, बिल्कुल एक प्रोग्राम किसी के पास नहीं था, बिल्कुल तीनों बिल्कुल खाली, तीनों सारे कभी खाली थे, हम क्या तीनों खाली थे। सरकार ने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए, बाकियों के लिए तो फिर भी कुछ किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। तो जब तीन साल के बाद जब पहला आमंत्रण मिला, उसकी एक कविता सुनाना चाहता हूं। करोना काल के दृश्य कविता है कि दृश्य का आप आनंद लेंगे उसमें। करोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो सुभाष बाबू। तालियां सुने माइक देखे जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति यह थी जी मोती अग्रवाल जी कि मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और तीन दिन तक तो मैं उसी पे लेटा रहा। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया, उपेक्षित पड़े सूटकेस तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली के एक छुअन से ही खुल गया। हाय हाय, वाह 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 वाह। अब कपड़े रखने की थी बारी, कपड़ों की स्थिति बता दूं उस वक्त क्या थी हिंदुस्तान में। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। वाह। अब कपड़े रखने की थी बारी तो खोल ली अलमारी, शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था, एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैं इनका हैंडबैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया, खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। ठलुए को अब अपने दिन भी खेलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम, कुछ धाकड़ थे कुछ मासूम, कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। खैर उनको अपने हाल पर छोड़ में विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े मुस्कुराहट बिखेरे, एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी, पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजूखा टाइप स्त्री खड़ी मिली। बिजूखा, उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। सहा बिना मतलब घंटी बजाना दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं कहा। अब गंतव्य पे पहुंचने के बाद का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था, सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। हाय हाय,
क्या बात है, रुमकता हुआ। पास खड़े शंभु ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। अच्छा दुकड़ दुकड़ अब भी कायम थी जी, कारण ये कि निमंत्रण तो आते थे पर फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिली इसलिए नहीं करवा पा रहे, तो डर था कि बाहर आते आयोजक के नमस्ते आप आ तो गए कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाएं। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया, तभी एक ने पूछ लिया महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है। मैंने कहा इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। क्या बात है वाह वाह, एक नेत्रहीन की जयमाल जयमाला हो गई, सगाई हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो, विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे, माइक मानो कह रहा था आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया है, प्रोग्राम सचमुच मिल गया। आप हरियाणा पे आते हैं जी, और हरियाणा के आदमी को हंसने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता, वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए, बोले बहुत काम है छुट्टी नहीं मिल सकती, बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा, बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे छुट्टी दे दूंगा, बोले सवाल कुछ भी पूछ लो, बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे, बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया होगा। तो ये हमारी मस्ती है जी, वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया छुट्टी चाहिए, बोले किस लिए चाहिए, बोले जी मेरी शादी है, अब इस पे तो कौन मना करे जी, बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए, बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने रे, लुगाई देख के पता चलेगा, इतनी बस स्वाभाविक बात है, देखो इतना सहज हास्य, ये वही संभव है। भी कुछ दिन पहले ही घटना, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ हो, तो एक मोटरसाइकिल आई घूमघाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो, कारण ये कि हम फुर्सत में रहते हैं इसलिए हास्यरस में रहते हैं। वो एक ने रिक्शा वाले को आवाज दी, बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं, तो इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा, बोले हाँ, बोले कितने पैसे, बोले 25 रुपए, बोले ये तो रहा स्टेशन, अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हम जगह को पास बुला लेते हैं, बोले ये तो रहा स्टेशन, रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। तो क्या कहने अरुण जी, वाह। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिपके जलेबी खाई भरपेट, जब पैसे देने का नंबर आया भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है, अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबियत से धुना पीटा उसे, जब खुद थक गया पीट पीट के तो वापस दुकान में चला गया, अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया, है बोले अब क्यों खड़ा है जा, बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। ते मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है जी, आप हंसेंगे तो धरती आपकी है या आसमान आपका है, अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और हंसी के लिए मिलना बहुत जरूरी है जी, हम आपस में बात करेंगे तभी हास्य पैदा होगा, और हरियाणा में तो बातचीत में ही निकलता हास्य,
हर स्थिति में हास्य रस में ही रहते हैं। अब ये प्रेम पे क्या बढ़िया सुनाया था मुमताज ने, हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना, ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। वो हलवाई की बात पे मुझे ध्यान आया, हाँ वो रह गया। अभी हमारे मोती जी, दरअसल इसलिए हम तो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ जी, सरस्वती विहार में दिल्ली रहता हूँ, मेरे घर का पता 185 है और इनका 125 है, तो हम पड़ोसी हैं भाई, और इसलिए पड़ोसी का प्रेम जो है वो बोल देता है बीच बीच में। तो एक बार मोती जी के लिए तालियां बजा दें आप, क्या बात है। तो वहीं अभी अभी मोहल्ले में एक दुकान खुली है जी मिठाई की, मिठाई की दुकान खुली, उसने किसी ने कहा भाई दुकान खुली है यहाँ बोर्ड लगवा, यहाँ हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है, बोर्ड लगवा लिया उसने साहब। उसके बाद जो आफत शुरू हुई है उसकी, अगले दिन एक पहुंच गया, बोले उस पान की दुकान पे मिठाई मिलती है क्या? बोले नहीं यहाँ मिलती है। बोले यहाँ मिलती है, दिख रहा है ये यहाँ क्यों लिखवा रखा है, ये यहाँ हटा, ताजा मिठाई मिलती है, हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। वो एक और पहुंच गया, बोले रात को 12 बजे भी देता है। बोले जी 10 बजे तो दुकान बंद हो जाती है। बोलिए फिर हमेशा क्यों लिख रखा है, हटा इसे, ताजा मिठाई मिलती है। वो एक और पहुंच गया, बोले बासी भी बेचता है। बोले नहीं जी ताजा बेचता हूं। बोले ताजा लिखने से कंफ्यूजन होता है, इस ताजा को हटा वरना लोग शक करेंगे, बोले बासी भी बेचता होगा। वो ताजा भी हटाई, हट गया जी, मिठाई मिलती है। वो एक और पहुंच गया, बोले एक पान पराग का गुटखा दियो। बोले मिठाई की दुकान है, आप क्या मांग रहे हो? बोले वो तो दिख रही है ना मिठाई, लिखवा क्या रखा ऊपर, मिठाई भी हटा, मिलती है। एक और पहुंच गया, बोले भाई क्या मिलती भाई, बहुत कंफ्यूजन है, हटा इसे, वो मिलती भी हट गया, खाली है। वो एक पौने 10 बजे रात को तुन अवस्था में पहुंचा जी, तुन अवस्था में। बोले है क्या, वाह 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 क्या बात है अरुण जी, क्या कहने, वाह। बोले है तो नहीं है। बोले जब है नहीं है तो है क्यों है, इसे भी हटा। उससे अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले बिना वाक्य के पूर्ण विराम, ये भाषा का अपमान है, इसे भी हटा। पूरा बोर्ड साफ। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले यार इतनी बढ़िया दुकान खुली है, मिठाइयां सजी हुई है, ऊपर लिखवा था क्यों नहीं, यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये राय चंद भी बड़े खतरनाक होते हैं जी। और वो प्रेम की बात चल रही थी, तो हमारे यहाँ प्रेम ब्याह के बाद भी होता है, ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं जी। और हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। और थोड़ा उत्साह से तालियां बजाइए, क्या अरुण जी कमाल कर दिया। ये भोलापन है भाई, ये भोलापन है। हमारा प्रेम का मामला ऐसा ही है जी। इसने वो सुनाया था क्या, वो मैं मतलब रास्ता देखने की नहीं और मैं संवरने की नहीं, तू लेट आया दफ्तर से तो मैं संवरने की नहीं। और कुछ पति के बारे में भी सोचो बेचारे के बारे में। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो पांचवें दिन पे जब पहली बार शादी के बाद ऑफिस पहुंचा, 10 बजे पहुंचते ही उसने पत्नी को फोन किया, बोले डार्लिंग कहाँ हो? बोली किचन में। बोला अच्छा मिक्सी चला के दिखा। उसने भी चला दी घर। अगले दिन 12 बजे फोन कर दिया, बोले कहाँ हूँ? बोले किचन में। बोले मिक्सी चला के दिखा। उसने फिर चला दी घर। तीसरे दिन 2 बजे फोन किया, बोले कहाँ हूँ? बोले किचन में। बोले मिक्सी चला के दिखा। उसने फिर चला दी। चौथे दिन तो भाई खुद ही पहुंच गया घर पे 4 बजे। नौकर ने दरवाजा खोला तो पूछा उससे, बोले मैम साहब कहाँ हैं?
बोले पता नहीं जी, सुबह 10 बजे मिक्सी लेके निकल जाती है। कुछ जिंदाबाद अरुण जी, क्या बात है, वाह वाह वाह। उस बिचारे की भी सोचो बिचारे की। तुम्हारा प्रेम ऐसा ही है जी। वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। अब बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच का कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी, तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ने छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। अभी मेरा एक दोस्त मिला जी, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। हाय हाय क्या बात। इंजन चूम लिया। तो ये हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है जी। अच्छा अभी हमने वो वैलेंटाइन पखवाड़ा बनवाया पूरा। वैलेंटाइन? हाँ पखवाड़ा होता है पूरा। अच्छा भाई पहले 7 दिन तो वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे। हाँ ये भी चॉकलेट डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे तक पूरा पखवाड़ा चलता है। उसमें आता है प्रपोज डे। तो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया। बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? नहीं, विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव, मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहां ही संभव है जी। और ब्रेकअप के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया जी, बहुत ज्यादा जी। लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है सर हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। वाह वाह वाह। और सर जी ये तकलीफ तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वही पदक लाने वाली छोरियां जंतर मंतर पर बैठी होती हैं और कोई उनकी सुन नहीं रहा होता। तो प्यार की बात चली तो एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, उसके बाद हम दूसरे दौर की के लिए बाद में मिलेंगे, क्योंकि कुछ खाने पीने का है ना। खाने का ये बस? हाँ खाने का, चाय तो होगी पीनेगी, पीने में वही थोड़ी पी जाए भाई। ये भी टून अवस्था में पहले ही पहुंच गया। हाँ हाँ फ्रेश मिठाई है, ताजा मिठाई नहीं है, फ्रेश है। चेहरे फ्रेश होने चाहिए जी बस। 1 रुपए में हो गई। वाह 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 वाह। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y और एक साथ 25-30 को सेंड। 25-30 को? हाँ कहीं से जवाब आएगा। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। क्या बात है। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो इस खत का अगला मजमून हम बाद में पढ़ेंगे, एक मध्यांतर के बाद। आइए आगे एक छोटा सा मध्यांतर, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुभाष जी कोई घोषणा करनी है? सुभाष जी कोई घोषणा करनी है कि खाने में क्या क्या? और एक 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 छोटा सा निवेदन मैं आप लोगों से करूंगा कि आप लोग प्लीज खाना खाने के या जो भी आपकी व्यवस्था है उसके बाद जितने लोग हैं कृपया हमें उतने ही मिलिएगा।
हाँ चले मत जाना इधर उधर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए है, वो अभी बचा हुआ है। हम लोगों ने अभी काव्यपाठ तो अपने हिसाब से उसी हिसाब से किया कि आप लोग बीच में खा पी लें, लेकिन इसके बाद एक बड़ा सरप्राइज है, तो आप लोग प्लीज कोई भी व्यक्ति एक रिक्वेस्ट को मानते हुए जाइएगा नहीं, ये आप लोगों से निवेदन है। अब तक का काव्य पाठ आपको कैसा लगा एक बार आप लोग अगर सूचित कर देंगे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अरुण जेमनी जी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम का दूसरा दौर आप शुरू करें। जेमनी जी, जी। सुभाष जी ने बताया कि दूसरा दौर ज्यादा अच्छा होता है, अभी अभी बताया हूं। वाकई में दूसरा दौर और ज्यादा बेहतर होता है, जैसे कथा के बाद की कथा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मेरे से शिकायत कर रही थी मुमताज जी की भीड़ उतरी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि हम लाखों लोगों के बीच में कविता पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सिख भाई अब यहां बैठे हैं, 1.25 लाख के बराबर तो ये अकेले हैं, एक बार तालियां बजा दें आप। गुरु, अरे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तो ये 1.25 लाख के बराबर हैं सर। प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। तो मैं बता रहा था कथा के बाद की कथा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक कथा आपने सुनी होगी, पहले भी सुनी होगी मुझसे, वो कथा तो खैर आपने सबने सुनी हुई है कि वो एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटता था, तो एक दिन उसकी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। आज कुएं का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कुएं में गिर गई कुल्हाड़ी, तो रोने लगा, तो भगवान आ गए। अच्छा, भगवान उन दिनों फुर्सत में भी होते थे, हाँ समय निकाल ही लेते थे, वो आ जाते थे भक्तों की सुन के। आजकल कहाँ फुर्सत है जी। हाँ अभी अभी मैं बोल ही कहाँ रहा हूँ अभी। तो भगवान आ गए, बोले क्या हुआ, बोले मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। तो भगवान अंदर से गए और सोने की कुल्हाड़ी निकाल के लाए, तो उसने कहा ये मेरी नहीं है, उसने कहा ये मेरी नहीं है। फिर वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए, तो उसने उसके लिए मना कर दिया, ये मेरी नहीं है। फिर उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के लाए, तो उसने लपक के ले ली, बोले ये मेरी है। तो भगवान उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उसे दोनों कुल्हाड़ी इनाम में दे दी। ये कहानी आपकी सुनी हुई है, इसके आगे की कहानी और महत्वपूर्ण है। वो जब लकड़हारा घर गया, तो जब पत्नी ने देखा सोने और चांदी की कुल्हाड़ी साथ में, उसने सारी घटना बताई, तो बोली मैं कुल्हाड़ी कुआं तो अब देखूंगी। बोले अब रात हो गई, कल देख लेना। बोले नहीं, मैं तो अभी देखूंगी। वो पहुंच गई देखने, और अंधेरे में वो ऐसा हुआ कि वो कुएं में गिर गई, तो लकड़हारा फिर रोने लगा। अच्छा, भगवान फिर प्रकट हो गए, बिल्कुल ही खाली थे। बोले क्या हुआ, बोले अब मेरी लुगाई गिर गई। तो भगवान अंदर गए और करीना कपूर को बाहर निकाल के लाए, बोले ये तेरी लुगाई है। तो लकड़हारे ने झटपट बोला हाँ जी हाँ यही है। तो भगवान बोले कमाल है यार, 15 मिनट में आदमी बदल गया है। 15 मिनट पहले तो कह रहा था ईमानदार था, बेईमान हो गया। बोले बात बेईमानी की नहीं है जी, मैं मना करता आप फिर जाते, और अब की बार करिश्मा उसको लेकर आते कैटरीना कैफ को, मैं उसे ही मना कर देता, फिर आप मेरी असली वाले को लेके आते, और फिर मैं जब उसे लेके चलने लगता तो आपका हृदय फिर पिघलने लगता, और आप ईमानदारी के इनाम में तीनों को कर देते मेरे नाम में। यहाँ एक ही नहीं पल रही, तीनों को कहां से पालता। तो मैं बेईमान नहीं हूं, हालात की मजबूरी थी, इसलिए करीना कपूर पर हां भरनी जरूरी थी। तो ये कथा के बाद की महत्वपूर्ण कथा है। आइए दूसरा दौर शुरू करते हैं। दूसरे दौर के लिए हमारे पास नायाब हीरा, बिहार का कोयले की खदान से निकला हुआ ये काला हीरा, काला हीरा है सर, इसी की वजह से झारखंड अलग किया, ये जब निकला तो फिर कमाल है। आज मौसम देख के मुझे सर्दियों के दिन याद आ गए, दिल्ली में ऐसी ठंड पड़ रही थी, यार धूप बढ़िया निकली हुई, भाई ने क्या किया छत पे तेल वेल लगा के पहले लेट गया अपने,
सनबाथ तेल के साथ, उस मोहल्ले के सारे कौवे इकट्ठे हो गए। ए बोले क्या हुआ भाई, तुम क्यों इकट्ठे हो गए? बोले हमारा देवता मर गया है। तो ये शंभु शिखर है साहब, इस कवि सम्मेलन को नजर ना लगे इसलिए बदर बट्टू हम साथ लेके चलते हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें शंभु शिखर का। बहुत बहुत आप लोगों को दोबारा प्रणाम करता हूं, पीछे वालों का फिर से दूसरी बार अभिनंदन करता हूं, आगे वालों को फिर से इग्नोर करता हूं। मेरे विषय में अरुण जी ने बताया, एक तो कमाल ये हुआ कि जैसे ही हम लोग यहां से चाय पानी के लिए गए, बहुत सारे लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने आ गए। मेरे साथ जो भी फोटो लेता है उसकी अच्छी आती है। और मैं तो सब बिहार का आदमी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है थोड़ा सा, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, यह होती उद्घाटन की जिम्मेदारी। बिहार का जिक्र कर रहे थे ये अरुण जी ने बताया, मैं मेरे से एक बार पूछ रहे थे यार एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं? तो मैंने बताया अरुण जी बाकियों में जितना दिमाग है उतना हमारा खराब रहता है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया अरुण जी, और जाके मैंने पूछा कि टीवी कितने का दे रहे हो? दुकानदार बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुरका ओढ़ के चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको दो दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई, आप लोगों को आनंद आ जाएगा, मुझे दोबारा शुरू कर देना। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया, सच बता रहा हूं, आप लोग जिस मस्ती से सुन रहे हैं, आइए आपको दोबारा वहीं से जोड़ता हूं। क्या आनंद और मौज मस्ती से आप लोगों ने सुना, जो अंधियारे से लड़ता हो वो जुगनू साथ लाए हैं, जो अंधियारे से लड़ता हो वो जुगनू साथ लाए हैं, जो आंखों से ही चलता हो वो जादू साथ लाए हैं। तुम्हारे पास आना था तो खाली हाथ क्या आते, हम अपने देश की मिट्टी की खुशबू साथ लाए हैं। और हमारे देश की मिट्टी की खुशबू यह है कि जिस शिकागो शहर में मैं खड़ा हूं, जब स्वामी विवेकानंद यहां से पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि भारत विश्वगुरु क्यों है, तो उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि वो जहां जहां जाते थे लोगों की लाइनें लग जाती थी। एक बहुत सुंदर युवती स्वामी विवेकानंद के सामने गई और उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो स्वामी जी ने पूछा कि मुझसे आप क्यों विवाह करना चाहती है? तो युवती ने कहा ताकि आपके और मेरे संगम से आपके जैसे ही तेजस्वी और खूबसूरत एक बालक को मैं पैदा कर सकूं। यह भारतीय परंपरा थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, मां मैं आज से ही तुम्हारा बच्चा हूं। यह भारतीय संस्कृति की ताकत है साहब। मैं तो हास्य का कभी उससे ज्यादा ज्ञान की बात कर नहीं सकता, इतनी आती थी कर दी। आपको लगे कि यार हास्य का इसको ज्ञान व्यान से क्या लेना देना। अब ये चार लाइन सुनिएगा, अब आगे के लोगों का भी सम्मान करते हुए, हाँ कहने लगे कि यार हमारा किया नहीं, अब साहब सुनिएगा सम्मान आप लोगों का आपके तरीके से, कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी,
लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। अब ये चार लाइन सुनिए कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। अच्छा एक चीज मैंने जो यहाँ पे देखी सर, यहाँ पे पेट्रोल और शराब दोनों की कीमत बराबर जैसी लगी, मतलब कमाल था वो। मैं किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए। माइलेज भी पता लग जाएगी कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ये कैसे कर देंगे यार, कमाल है। मैं तो अद्भुत ही, कभी क्लास में अध्यापक आए बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा, संस्कृत का अध्यापक आ गए बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमेश का हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके हिंदी का अध्यापक फिर आए बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की, मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके, अब व्यंग आप लोगों तक कितना पहुंचता है। हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं, माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके फिर, कभी एक तरफ की बात तो कह ही नहीं सकता साहब। वो मोदी जी पिछले दिनों आए थे, नासा गए थे, वैज्ञानिकों ने दो मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा मैं क्या करूंगा, बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। कि चीनी को जमा कर, गणित के अध्यापक आ गए बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। कि चीनी और गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से, तो पीछे दादाजी भी हंस रहे हैं। ए दादा एक्स की वैल्यू पता है क्या आपको। चीनी भाई इस उम्र में आते आते आदमी को डबल एक्स की भी पता चल जाती है। चीनी को जमा कर, और ये महिलाएं जो हंस रही है ना, मैं प्रणाम करता हूँ, सच बता रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं सर अंग्रेजी का अध्यापक आए बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा आई लव यू। इतनी बहुत चीनी। अच्छा मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो, बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जा। अच्छा सर एक बार मैंने एक होटल में चेक इन किया
तो मुझे फोर्थ फ्लोर पे रूम मिला। तो मैंने रात को 2 बजे इमरजेंसी मेंटेनेंस को कॉल किया। मैंने कहा यार वो 2 घंटे से पत्नी झगड़ा कर रही है, कह रही है खिड़की से कूद जाऊंगा। तो मेंटेनेंस बोला सर ये पर्सनल प्रॉब्लम है, हम क्या करें। मैंने कहा वो खिड़की खुल नहीं रही है, ये तो मेंटेनेंस की दिक्कत है। कि चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, विज्ञान के अध्यापक आ गया। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। बहुत अच्छे। कि चीनी को जमा करके फिर से, बिल्कुल सही समझो आप लोग, कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आप लोग इतने मन और आनंद से सुन रहे हैं ना, एक छंद मुझे बस आपके लिए याद आया अचानक से, कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे भाई वाह। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। क्या बात है, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। एक छोटी सी कविता आपको विशेष सुनाता हूं, उसके बाद हम आदरणीय मुमताज नसीम जी को सुनेंगे, फिर अरुण जी इस कार्यक्रम को आगे तक ले जाएंगे। और आप लोग सचमुच मैं मतलब इतना मुझे एक चीज जो सरप्राइज तो बचा हुआ है, अभी मैंने कहा था ना आपको एक सरप्राइज दूंगा, तो मैं बाद में दूंगा जब अरुण जी पढ़ लेंगे, उसके बाद वो सरप्राइज आपके लिए है, चिंता मत करो। जो लोग चले गए उनके लिए तो नहीं है, अभी जो चले गए उनके लिए क्या लेंगे। हाँ सही बात भाई, देखो 4 लाख चुनना आप कह रहे अरुण जी। हाँ एक बार सर मैं बैंक गया और जाके सो गया, तो गार्ड ने आकर उठाया कोई सोने की जगह। मैंने कहा जी आपने ऊपर बोर्ड टांग रखा है, हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। मैं तो लोन लेने आया था, आपका भी बैंक देता है सर। मोतीलाल जी का खुद का ही बैंक है साहब। मैं सच बता रहा हूँ साहब। तो अच्छा एक बार सोते सोते इतना सोया कि नींद आनी बंद हो गई। अच्छा तो फिर डॉक्टर के पास गया मैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। तो डॉक्टर ने 2 गोलियां दे दी। अच्छा बोला एक तो सोने से पहले खा लेना, दूसरा उठ जाओ तो। बहुत अच्छे भाई। तो आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। अरे लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे, गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, मगर शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। खैर समझ तो आप अभी भी रहे होंगे। तो हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। समस्या ये नहीं है कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ, अरुण जी समस्या ये है कि किसी के भी साथ सो जाते हूँ। किसी के भी साथ सो जाता हूं, हम ही नहीं हमारे पिताजी भी सोने में बहुत होशियार थे। उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में ही उठाया जाता था। बहुत अच्छे। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे, हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं, अब तो बस यही तमन्ना है सुभाष जी हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई, ठंड बहुत है ना, साथ में एक रजाई, हम कवि सम्मेलन समाप्त होते ही इसी हॉल के पीछे सो जाएंगे, अगली साल बुलाना नहीं पड़ेगा।
बहुत अच्छे। यहीं से उठकर सीधे आप लोगों को कविता सुनाएंगे। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं। आइए मुमताज नसीम जी को मैं एक बार पुनः आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूं, और जितने लोग सुन रहे हैं बस मुमताज नसीम को आप सुन ही चुके हैं, बस इतना भर मुमताज नसीम जी के लिए कहना चाहता हूं कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। जो लोग चले गए ना, दो चार लोग, सर उनको ये रिकॉर्डिंग दिखा देना बस, कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है, जो कहा हमने अभी तक अनकहा उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी कह रहा था, वक्त की मुझ पर हुई जो मेहरबानी कह रहा था। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो तुम ये जान पाते, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी कह रहा था। तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए। तो धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये सिखाया गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। तो हमारे बीच में मुमताज नसीम जी, जिनको कलम की शोहरत मिली हुई है, जोरदार तालियों में आप लोगों के बीच में किसी को गीत देता हूं, किसी को सांस देता हूं। बहुत खुश हो गया जिससे, उसे सब राज देता हूं। जो बचता ही नहीं है पास मेरे कुछ लुटाने को, तेरी सोई हुई आवाज को आवाज देता हूं। तालियों में आपके बीच में आए मुमताज नसीम। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार और जानदार। एक बार फिर से आपने अपना काव्य पाठ किया। जोरदार तालियां आदरणीय शंभू जी के लिए। इस महफिल को इतना खूबसूरत बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब जो भी वक्त मिला है उसको हम आपस में बांट लेते हैं, और आपसे थोड़ी देर के लिए जो ये मुलाकात है इसको एक यादगार मुलाकात बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना पहले दौर में, और दूसरे दौर में आप उससे भी ज़्यादा अच्छा सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी आप लोग के अंदर क़ुव्वत और ताकत आ गई है खाने के बाद। तो अच्छा सुन रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा सुन रहे हैं जी। तो चाहती ये हूँ कि अपनी बात शुरू करूँ, एक गज़ल पढ़ती हूँ, सीधे सीधे आपको जोड़ती हूँ वक्त का लिहाज करते हुए, कि मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई। तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई, मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई। तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई, जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। क्या बात है, वाह। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, मेरे खुदा मैं किस नए अजाब में उलझ गई, मेरे खुदा मैं किस नए अजाब में उलझ गई। और मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है। सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। क्या बात है भाई, वाह वाह। सवाल वो किया कि मैं जवाब, बहुत अच्छे भाई, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सुना। एक गजल का मतलब और कुछ शेर पढ़ती हूँ, नई गजल है, आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, सुनेंगे। जिंदगी भर रुलाया, जिंदगी भर और आंखों में पानी नहीं चाहिए। क्या कहने भाई, वाह। जिंदगी भर रुलाया बहुत आपने, और आंखों में पानी नहीं चाहिए। सुनिएगा। जिंदगी भर रुलाया मुझे घर की मेहर बानी गवारा, मुझे आपकी मेहर बानी नहीं चाहिए। घर की मेहर बानी गवारा, मुझे आपकी मेहर बानी नहीं चाहिए। और ये शेर खास तौर पर सुने। अब नए रास्ते की
चोट कोई पुरानी नहीं चाहिए, बहुत अच्छे भाई वाह वाह बहुत अच्छे वाह। पुराना ये एक शेर और है खास तौर पर सुने के, या तो तुम मुझसे अब बोलना छोड़ दो और बोलो तो फिर बात ये जान लो, या तो तुम मुझसे अब बोलना छोड़ दो और बोलो तो फिर बात ये जान लो, कोई झूठा फसाना नहीं चाहिए, कोई झूठी कहानी नहीं चाहिए, कोई झूठा फसाना नहीं चाहिए, कोई झूठी कहानी नहीं चाहिए। आखिरी शेर है इसका जो मेरा बहुत पसंदीदा है सुने के, वादा करती हूँ तुझको भुला दूंगी मैं तेरे सारे खतों को जला दूंगी मैं, वादा करती हूँ तुझको भुला दूंगी मैं तेरे सारे खतों को जला दूंगी मैं, सुन ले ओ बेवफा मुझे तेरी तरह तेरी कोई निशानी नहीं चाहिए। मुमताज जी मेरे बहुत बहुत शुक्रिया, दो अनुरोध हैं, एक तो वो मेरे तेरे शहर की शायरा जी जी और एक गीत जी जी, क्योंकि गीत नहीं हुआ और गीत भी इस माहौल में जरूर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, बिल्कुल मैं गीत पढ़ती हूँ। नहीं पहले वो पहले वो शायर जो गज़ल आपको पसंद है मैं चाहती हूँ कि आप तक भी पहुँच जाए, एक मरतबा तालियाँ बजा कर मुझे इजाज़त दे दें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस इसी तरह की महफिल का इंतज़ार रहता है जहाँ आप जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो जो अपने मन की बातें होती हैं अपने मन की शायरी होती है वो आप तक पहुँचाते हैं हम लोग, ऐसी अच्छी महफिल का मैं भी फ़ायदा उठाती हूँ और चाहती हूँ कि ये अपनी गज़ल आप लोगों के लिए पढ़ूँ। सुने सुने तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर तुझे कैसे इल्म न हो सका, तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मरे। शहर की शायरा, खास तौर पर ये शेर भी सुने के, कोई बात थी कोई था सबब जो मैं वादा कर के मुकर गई, अच्छा मुझे ये बता के मेरे बिना तेरी उम्र कैसे गुजरे, बहुत अच्छे मुमताज वाह, ये बता के मेरे बिना। और गजल का आखिरी शेर क्या मकता पढ़ती हूँ, तुझे खो तुझे खोना तू इसी खौफ से तेरी समत मेरी नजर उठी, बड़ी शर्म आई मुझे मगर मैं ये सीढ़ियां भी
वक्ता सुने के वो सफर को अपने तमाम कर गई रात आएंगे लौट कर वो सफर को अपने तमाम कर गई रात आएंगे लौट कर ये नसीम मैंने सुनी खबर तो मैं शाम ही से सवर ये नसीम बहुत अच्छे भाई मैंने सुनी खबर बहुत अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया अब बदरिया बदरिया हाँ एक गीत मैं चाहती हूँ कि गीत भी हो जाए इस महफिल में एक गीत खास तौर पर पढ़ती हूँ गीत में आप लोगों की तालियों की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ भी आपको ऐसा महसूस होगा आप मेरा साथ देंगे इस उम्मीद के साथ मैं गीत शुरू करती हूँ सुने के उसके बाद आदरणीय अरुण जैमिनी जी और आप बरसोरी जहां मोरे सवरिया वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया बदरिया रे बहुत अच्छा बंद हाजिर करती हूँ इसका चंदा से पूछा सितारों से पूछा चंदा से पूछा सितारों से पूछा आंखों से पूछा नजारों से पूछा बाहों में जाके बहारों से पूछा सावन की पड़ती फुहारों से पूछा नदियां भी देख आई पर्वत भी देख आई नदियां भी देख आई पर्वत भी देख आई उठ उठ के थक गई नजरिया रे वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया बदरिया रे ताली बजाइए अगला बंद पढ़ती हूँ इसका बदरिया रे कजरा लगाऊं तो बह जाए कजरा बिंदिया जमाऊं तो गिर जाए बिंदिया पुरवाई छेड़ कर सर के ना अचरा लाख सिंगार करूं दम के ना मुखड़ा खिड़की ना खोलू कभी मुख से ना बोलू कभी खिड़की ना खोलू मुख से ना बोलू कभी जाऊं ना घर से बजरिया रे वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया बदरिया रे बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह बहुत अच्छे भाई वाह क्या बढ़िया आप लोगों को मुमताज नसीम जी के लिए एक बार पुनः मैं चाहता हूं और फिर से बता दूं कि मुमताज जी ने जो अब तक सुनाया है यकीन मानिए ये इनके लेखन का 10% भी नहीं है तो वो जो पेन ड्राइव है उसके अंदर बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो आप सुनना पसंद करेंगे जो आपको हम समय सीमा में सुना भी नहीं सकते तो वो आप जरूर मुमताज जी से और हमारे वॉलेंटियर से लेकर के जाइएगा पीछे रखा हुआ है मात्र $10 उसकी कीमत है आइए अब अरुण जैमिनी जी को मैं बुलाना चाहता हूँ समय कम है जो हमें समय दिया गया है ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है तो उस कम समय में एक ऐसे रफ्तार वाले व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जिनका नाम है अरुण जैमिनी जो आप जिनका जलवा एक बार देख ही चुके हैं जोरदार तालियां बजाइए अरुण जैमिनी जी के नाम आप लोगों के शाम आइए और वो सरप्राइज बचा हुआ है हाँ भाई तो खत्म मत करना मुझे बुला लेना हाँ हाँ बहुत शानदार बहुत बहुत बढ़िया मन से सुना आपने पूरा कवि सम्मेलन एक बार मैं कवियों से अनुरोध करूंगा कि वो आपके लिए तालियां बजाएं। क्या मुमताज जी ने सुनाया बदरिया रे वहां जाके बरसो जा मेरे सावरिया
बाकी जगह सूखा पड़ जाए। देखो ना, उससे भी पूछा, नदियां भी देखाई, पर्वत भी देखाई, एक बार ठेके पे भी जाके देख लेती। ठेके पे? हाँ, जहां मिल सकता था वहां गई नहीं। जहां मिल सकता था। यही गड़बड़ होती है, आदमी ढूंढता कहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ आप साइंटिस्ट हो, हमारे यहाँ हरियाणा में देखो डॉक्टरी भी वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावा का। बोले डॉक्टर साहब, कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है। धुम्मा सा? अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। और डॉक्टर भी कमाल है, वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो, जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो, तुम्हारी तो जींस ही रंग छोड़ती है। अच्छा, बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या कहा जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है जी। हाँ, केजरीवाल उसी से ठीक हुए हैं और क्या। हाँ, जेल में ये भी सारा कर रहा और क्या करेगा। तो हमारे यहाँ तो ये मस्ती रहे। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जिक्र बहुत चल रहा है आजकल। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं बकायदा। बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मान लू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है जी, बात जायज है उसकी। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोले अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं आप? भैंस के छोरे को कहते हैं काटड़ा। छोरे को? भैंस का जो भाई बछड़ी है, बछड़ी होती है, एक बछड़ा होता है, बछड़ा भैंस का छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू देके दिखा। कमाल है आजकल के बच्चे, मैं सही बता रहा हूं, 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले बच्चे तुम कहां पैदा हुए थे? बच्चा बोला जी तिरुवनंतपुरम। बोले बेटे स्पेलिंग बता। बोले फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। स्पेलिंग पूछेगा? वो झंझट रखते ही नहीं जी। दरअसल क्या, हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है। ग्राहक और दुकानदार तक के संबंधों में, मकान मालिक किराएदार तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक किराएदार पहुंच गया मकान मालिक के पास, बोले कैसा कमरा किराए पे दिया है? वहां तो चूहे डांस कर रहे हैं। और बोले तू के चावे 1000 रुपए में माधुरी दीक्षिता के नाचेगी?
वो एक ने अपने लिए चाय बनवाई तो देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है, बोले इसे 1/2 चाय कर दे। अच्छा वो 1/2 कर ही रहा था, इतनी देर में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया, बोले खाली गिलास दियो। वो एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी। पीने के बाद एक ने पूछा, हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासों ने धोखे दे दे बस। वो आजकल वो टेटू का फैशन चल रहा है ना, एक वो टेटू खुदवा रहा था और रो रहा। बोले जब पता था दर्द होगी तो क्यों खुदवाया भाई तना? बोला दर्द की वजह से नहीं रो रहा, स्पेलिंग गलत हो गई, करी ना लिखवाना था कमी ना लिख दिया। ये भी सब हास्य रस में, सब संबंध हास्य रस में है। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूं। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवे है जागे है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जागे है? बोले जागू हूं। बोले जाग गया तो खोल दे। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले परसों तेरी दादी का बर्थडे आ रहा है, तू दादी को क्या गिफ्ट देगा? बोले मैं दादी को दूंगा फुटबॉल। अरे पूरे दादी 80 साल की फुटबॉल का क्या करेगी? बोले क्यों? पिछले महीने मेरा बर्थडे था, दादी ने मुझे गीता भेंट की थी। वो गीता पे मुझे ध्यान आया, हमारे मोदी जी जब जापान गए थे तो पता है ना, वो बुलेट ट्रेन के लिए कितने लाखों करोड़ रुपए उधार लेके आए हैं 50 साल के लिए, बदले में क्या देके आए? गीता। 50 साल बाद जब उधार तो मिलना नहीं उन्हें वापिस, जब वो देखेंगे कि क्या मिला था वापसी में, और जब पहला पेज खोलेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा, तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर जाओगे? गीता तो बहुत काम की चीज है जी। तो हमारे यहां हर संबंध में हास्य रस है जी, हर संबंध को हास्य रस में जीतते हैं। मां बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो तीसरे नंबर के बेटे ने अपनी मां से पूछा, मां मेरे पैदा होने से पहले तैने क्या मांगा था? छोरी मांगी थी, छोरा मांगा था? बोले बेटे मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं तो नहाने गई थी, मैंने तो तेरे बाबू से तौलिया मांगा था। ये जीवन है जी, ये आनंद है, ये वही संभव है। तो ये आनंद के क्षण जीने चाहिए। कोई याद दिला रही है मुझे मुमताज जी, वो जब बात चल रही थी ना, हम बड़े धार्मिक, हम हरियाणा का आदमी ज्यादा धार्मिक नहीं होता जी, हम जब मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भगवान तो कल भी वही मिलेगा। अच्छा आप देखो, हरियाणा में आपको वृद्ध आश्रम की भी समस्या बहुत कम मिलेगी। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया। हे बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आयो। तुम्हारा धार्मिक मामला भी अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना होलेगा। आमना सामना। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है।
लेकिन फिर भी हमारे यहाँ दरअसल क्या, हर संबंध हास्य रस में ही है, तो हम मस्ती में रहते हैं, कितना ही धार्मिक मामला, लेकिन हमारे प्रेम में भी पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा ही है। तो अच्छा। मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो हम कितने पूजा पाठ किए हमें पता है जी। बहुत मन से आपने पूरा कार्यक्रम सुना। एक और नए विषय पर कविता सुनाता हूं आपको। हाँ, क्योंकि कोशिश रहती है कि उन विषयों से हास्य निकाला जाए जो बड़े मुश्किल हो। जैसे एक विषय ये बहुत है, आपने सुना होगा कि समाज ने उसे अपराधी बना दिया। अपराधी जन्म से पैदा नहीं होता, परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं। तो मैं कैसे अपराधी बना? अच्छा, इसको मैंने हास्य में कहने की कोशिश की है। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अंदर कवि की कल्पना या बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं ऊट हुए कवि की तरह खड़ा था। ऊट हुए कवि, क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया था श्रीमान, बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति, जो घरघरा रहा था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सुबह होते ही लोग आने लगे, चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे, मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे, ठूस ठूस कर। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका, 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई, गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। वाह 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 वाह। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना एक बोर्ड बनवाया और उसे दरवाजे पर ही लगवाया, जिस पर लिखवाया भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहां चोरी हो गई, चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए। क्योंकि मैं जानता हूं वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। क्या व्यंग्य है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने अरुण जी, क्या वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका आदर्शन अभिलाषी। आदर्शन अभिलाषी। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया, मैंने अपना गला सहलाते हुए उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, हुई कैसे ये बताओ। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी, अगले दिन ये खबर अखबार में ही छपवा दी। अब क्या था, मेरी जेब में मच गया हाहाकार, दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी, और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई, कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है। मैंने कौर उसके मुंह में जाते हुए देखा और कहा क्या बताऊं, नुकसान तब तक हो रहा है। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 10,000 की हुई थी पर उसका हाल बताने में 20,000 का खर्चा आया।
मैंने सोचा बचे कुछ है, पैसे भी ठिकाने लग गए तो मारा जाऊंगा, ऐसे तो कब तक चलेगा भाई। हाँ। अगले दो दिन मैं इसी तरह से जिया जिया, पर तीसरे ही दिन मैंने खतरनाक और ऐतिहासिक फैसला किया। अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहां चोरी कर ली। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहां जमाया, अपने आने वाली भीड़ को उनके यहां डाइवर्ट करवाया, पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया और अपने दूर के रिश्ते की मौसी को उसके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। वाह 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 वाह। अब जब जब भी उसके घर की घंटी बजती मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, अरुण जी जिंदाबाद। अब जब जब भी उसके घर की घंटी बजती मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती, मैं मन ही मन कहता अबे शर्मा राम भरोसे ले और खा समोसे। अब शर्मा जी की तबीयत बुझ गई, मेरी खिल गई, जिसकी पिछले 13 दिन से इंतजार थी वो शांति मुझे मिल गई। मेरी जेब में पड़ा आखिरी 100 का नोट अब किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहां चोरी किसने की और मोहल्ले में अगली चोरी कौन करेगा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो कवि सम्मेलन अब तक आपको कैसा लगा पूरा, एक बार आप लोग मुझे बताइए। सुना उदास सुर बिना जीवन कभी ना हो, ऐसे महोत्सवों का समापन कभी ना हो, यह हमारे जीवन का महोत्सव है। मैं जो एक सरप्राइज आपको कह रहा था, आप आदरणीय ऊपर आ जाइए, सुभाष जी आ जाइए, आ जाइए मोतीलाल जी, आप भी आ जाइए, आइए आइए, सरप्राइज है। हाँ हाँ हाँ। और सरप्राइज ये है दोस्तों कि आज भारतीय समय के अनुसार 22 तारीख है और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय हास्य कवि अरुण जैमिनी जी का जन्मदिन है। रिकॉर्ड कर लो वीडियो पूरा, तो एक बार अरुण जी को हम सब जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। ये पूरा शिकागो शहर जो लोग खड़े होकर के बधाई दे रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अक्सर ये कवि देखिए साहब, ये दिन हम परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन हमारा परिवार बस आप लोग ही हैं, यही हमारा परिवार है। तो इसलिए अरुण जी को एक बार आप लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अरुण जैमिनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक मिनट आप लोग बैठ जाएं, जस्ट आई विल टेक यू 2 मिनट। सबसे पहले मैं अरुण जी को, शंभू जी को और मुमताज जी को अपने तरफ से, उत्तर प्रदेश समाज की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया कवि सम्मेलन इन्होंने किया। एक एक से कविताएं, एक एक से चुटकुले और इतना इन्होंने हंसाया, इतने मधुर गीत, इतने गजल कि ये कवि सम्मेलन आप लोग हमें इंटरमिशन में कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है, और मैं आपसे सहमत करता हूँ कि रियली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कम सम्मेलन वी हैड इन शिकागो लैंड। सर सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, भले शंभू जी चाहे जितना हमारा हमारे बारे में जो कहें, हम लोग बड़े अच्छे आदमी हैं और सभी प्रश्नों का हमारे पास जवाब नहीं रहता, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें अचंभा कर देते हैं। इसी तरह से जो आप आज कविताएं सुने, कविता सुन करके हम लोग रियली एक अचंभे में हो गए हैं कि इतना अच्छा कवि सम्मेलन हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। एक हम लोग छोटा सा गिफ्ट प्रस्तुत करेंगे, और हमारे अरुण जी का आज जन्म दिवस भी है और अभी 12 बजे रात से शुरू हो जाएगा, तो एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू जैमिनी जी। और मैं उमा जी से कहूँगा कि वो कहाँ है, झोला वगैरह कहाँ? ओके, झोला वगैरह। ये
ये तीन बैग है, इसमें कुछ ज़्यादा खाली नहीं है, सब ये देखिए खाली बैग है। इसमें एक इनोलप है जिसमें कुछ है। अब जो है आप घर पे देखिएगा, लेकिन बड़ा पारदर्शी है। ये हम लोगों की तरफ से, उत्तर प्रदेश समाज की तरफ से एक छोटा सा, आपको सबसे पहले मैं मुमताज जी को ये भेंट करता हूँ। फिर हमारे शंभू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम और उमा जी मिल करके जो है अरुण जी को। थैंक यू सो मच आपके सहयोग के लिए। आप हमेशा ऐसे आते रहे, आप आते हैं तो बड़ा उत्साह बढ़ता है। थैंक यू अगेन सो मच। थैंक यू। शुभ रात्रि।